आप किस कंपनी का फोन चलाते हैं? मैं चला रहा हूँ वीवो का। वीवो का, वो तो चाइनीज कंपनी जी, सब चाइना कंपनी के हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जो मेकिंग इंडिया और जो स्टार्टअप इंडिया थी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की थ्योरी फेल थी। बिल्कुल सही किया उन्होंने, टिकटॉक बंद कर दिया, लाइक बंद कर दिया, वीवो लाइक बंद कर दिया, इसमें बिल्कुल सही किया उन्होंने। चाइना का जो फंड डाला गया है वो चाइना का एक तरह से एक दबाव डालने वाली बात है। यहाँ के लोगों को अपने चीजों के लिए रेगुलराइज कर दो और उसके बाद फिर इन चीजों को समझाओ कि नहीं भाई अब तो सारा हक हिंदुस्तान पे हमारा ही है। बिल्कुल धोखा हुआ है इसका, धोखा हुआ। हाँ बिल्कुल, मोदी जी के साथ चाइना को कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारा इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वाइज चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि इस समय सीमा पे काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है भारत और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में। इसी सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पे अभी बात करने के लिए काफ़ी सारे यूथ खड़े हैं, इनसे बात करूँगा कि इनका क्या मत है, कि जिस तरह से सरकार इस पर एक्शन ले रही है इनका क्या मत है, क्या वो सही है क्या नहीं। अभी कल ही आप सब लोग को पता ही होगा कि डिजिटल स्ट्राइक की गई है चाइना के ऊपर, चाइना के 61 ऐप को बंद कर दिया गया है, इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, कैम स्कैनर है, शेयर इट जैसे ऐपों को बंद कर दिया गया। तो इन सब की राय क्या है, क्या सरकार चाइना से जो लड़ाई लड़नी चाहिए क्या वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, इसी सारी मुद्दों पे इन लोगों से बात करेंगे। जी बताइए सबसे पहले आप। देखिए जो डिजिटल स्ट्राइक जो करी गई है ये बिल्कुल इफेक्टिव होगा चाइना के लिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो ये जवान मरे हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, तो इसको लेके अगर भारत ने कुछ कदम उठाया है तो बिल्कुल सराहनीय कदम है, मोदी सरकार का मैं बिल्कुल अभिनंदन करता हूँ इस चीज़ के लिए। और जो भी अभी तो एक स्ट्राइक हुई है, अभी तो आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है अगर चाइना। ये बताइए जिस तरह से जो सरकार कह रही है कि कोई हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं हुई है, लगातार सेटेलाइट से इमेज आ रही है, लगातार न्यूज़पेपर वाले सब छाप रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है हमारे यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुई है, क्या कहेंगे? कौन सी सरकार कह रही घुसपैठ नहीं हुई है? मोदी सरकार कह रही, मोदी खुद कह रहे हैं। मोदी सरकार अभी कुछ दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें मोदी ने खुद कहा था कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्या कहेंगे? अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो फिर ये जो जवान शहीद हुए हैं ये कोई ऐसे ही तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब हुई है, आप मान रहे हो, आप हुई है, मानता हूँ। तो मतलब यहाँ पे मोदी जी गलत हैं? मोदी जी गलत क्यों हैं? मोदी जी ने खुद कहा कि घुसपैठ नहीं हुई, इसका मतलब ये बिना घुसपैठ के कैसे कोई जवान शहीद हो सकता है? तो मोदी जी ये बोल रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुई है, तो उनको सही मानते हुए नहीं? नहीं, अगर ये चीज़ का कोई प्रूफ है तो वो बिल्कुल सही है, अगर कोई प्रूफ है। आप बताइए, मोदी जी ने कहा इस बात को लेके कि घुसपैठ नहीं हुई है और सारे प्रमाण मिल रहे हैं इस बात के कि घुसपैठ हुई है, तो क्या मोदी जी यहाँ पे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? वो तो चाइना वालों ने घुसपैठ करी है, मोदी का इसमें नहीं है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारी सीमा में घुसपैठ हुई ही नहीं, किसी ने घुसपैठ नहीं किया, उनका ये कहना है। सीमा में घुसपैठ नहीं हुई है ये बात मैं ही मानता हूँ, मोदी जी की बात बिल्कुल सही है। कैसे 20 जवान शहीद हो गए? लेकिन उसमें उन्होंने उधर से हमला किया था तब हुए थे, क्योंकि वो चाइना हमला हुआ था तो गोली फायरिंग थोड़ा हुई है वहाँ पे, तो केवल हाथापाई हुई है, हाथापाई हुई है तो उसमें तब शहीद हुए थे उसमें जब। अच्छा ये बताइए जो डिजिटल स्ट्राइक की गई, ऐप्स बंद कर दिए गए, इसको लेके क्या राय है? बिल्कुल सही किया उन्होंने, टिकटॉक बंद कर दिया, लाइक बंद कर दिया, वीगो लाइक बंद कर दिया, इसमें बिल्कुल सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। ना हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो हम भी उन्हें पीछे हटाने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए आप, टिकटॉक ऐप को बंद कर दिया गया, कुछ दिन पहले टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड में डाले, क्या कहना चाहिए? सर एक्चुअली इसमें क्या है, चाइना का जो फंड डाला गया है वो चाइना का एक तरह से एक दबाव डालने वाली बात है, मतलब कि चाइना दबाव डाल रही है पीएम केयर फंड में पैसे डाल के, इसकी वजह से क्योंकि जो वो हमला करता है उसको ये जताना चाहती है चाइना कि हम जो अपने सोशल ऐप जो चला रहे हैं इंडिया में हम उसका आपको कीमत दे रहे हैं, मैं खरीदने वाली बात होगी, खरीदने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या वो पैसा लेना चाहिए था कि क्या उसे लौटा देना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, सही कदम क्या होता? सर सही कदम तो ये है कि अगर सही कदम उठाया जाए तो टिकटॉक बंद कर जो भी सोशल ऐप है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो पैसे लिए गए टिकटॉक से पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपए और सारी टेलीकॉम चाइनीज कंपनी को देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की पूरी कीमत है जो कि डोनेशन आया है पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनी की तरफ से, तो क्या ये डोनेशन लिया जाना चाहिए था कि नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल ये। सर सवाल इसका जवाब सीधा सीधा यही है कि जिस हिसाब से चाइना अपने तौर तरीके से हमला कर रहा है, कभी साइबर कर रहा है, कभी साइबर हमले भी, डोनेशन लिया जाना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना?
सर, बिल्कुल चाइना को जो चाइना डोनेशन दिया था वो रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए, बिल्कुल सही। सर मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके सोशल ऐप्स हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं और हम उन्हें अपने यहाँ से बिजनेस करके दे रहे हैं, तो जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो हमारे लिए सही है। जो उस टाइम पे जो फंड्स में आए पैसे वो एकदम सही है, वो हमें वापस क्यों करने चाहिए? वो हमारे देश का बिजनेस है, हमने उनका बिजनेस बढ़ाया, एग्जैक्टली हमारे देश का बिजनेस है। चाइना की कंपनी यहाँ पे आई थी, उन्होंने हमारे देश से पैसा कमाया था, तो उसका फंड हम क्यों दें? तो फिर सरकार तो आरोप ये लगाती है कि इसके पहले अभी पीएम केयर फंड जो बना है, कुछ साल पहले कांग्रेस की तरफ जब सरकार थी तब एक फंड बनाया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से, उसमें चाइनीज मशीन ने डोनेशन दिया था, चाइनीज कंपनी ने डोनेशन दिया था। सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि आप लोग कांग्रेस से पैसा, चाइनीज से पैसा ले रहे थे, चाइनीज लोगों से पैसा ले रहे थे, और वही काम अब ये लोग कर रहे हैं, तो फिर कैसे बात जस्टिफाई होगी? चाइनीज उसके कांग्रेस की सरकार तो शुरू से ही चाइना से पैसे लेती थी, वही काम तो ये भी कर रहे हैं। आप सुनिए बात को, समझिए पहले क्या है। पहले कांग्रेस का जो फाउंडेशन था राजीव गांधी फाउंडेशन, वो भी आरटीआई के दायरे से बाहर था, कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं थी। पीएम केयर फंड भी आरटीआई के दायरे से बाहर है, कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। वो राजीव गांधी फाउंडेशन जो था उसने पैसे लिए थे चाइनीज कंपनी से, चाइनीज एम्बेसी से, वही काम डोनेशन के तौर पे लिया था। वही काम पीएम केयर फंड में भी हो रहा है, वो भी डोनेशन के तौर पे 100 करोड़ रुपए का चंदा लिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? अगर 100 करोड़ का उसने चंदा, वो गलत है तो क्या ये भी गलत है? सवाल ये नहीं, वो गलत नहीं है। अच्छा, मतलब वो करें तो गलत है, ये करें तो गलत। देखो उन्होंने किसी के उस पे लिया था। सर मैं बताना चाहूंगा इस बात पे कि जो हमारी क्राइसिस थी उस टाइम पे, या राजीव गांधी फाउंडेशन को हमें चाइनीज से अगर मिले भी हैं, तो मैं एक बात मैं आप मीडिया वालों के थ्रू पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन जो चला रहे हैं उनसे, या जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं उनसे, कि जो फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने पैसे जमा किए हैं उनका क्या काम आज तक उन्होंने करा है? बाकी काफी सारे काम हुए हैं, डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि जिस तरह से पीएम केयर फंड बनाया गया कुछ सालों पहले, इसी तरह राजीव गांधी फाउंडेशन भी बनाया गया था। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। मेरा इसलिए सीधा सीधा सवाल यह है कि अगर वो करें तो गलत, ये करें तो सही, ये दोहरा रवैया किस तरह का है? सर देखिए, ये तो एक राजनीतिक मोटिव हो गया, जो भी चीजें वो आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें गलत हैं। दोनों चीजें गलत है। अगर क्राइसिस के हिसाब से अगर हमारे देश से कोई हमसे बिजनेस ले रहा है और फिर हमें वो पुटअप कर रहा है, वो चीजें हमें देने की कोशिश कर रहा है हमारी क्राइसिस के टाइम पे, तो हमें वो चीज लेना। दोनों चीजें गलत है। एक चीज और आप सब लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ उस पर आप लोगों की राय क्या है, कि जो चाइनीज का भी बायकॉट का बूम बनाया जा रहा है, लेकिन जो चाइनीज कंपनी हमारे देश में विस्तार हुआ उनका, उसको करने वाली बीजेपी सरकार थी, किस तरह से है और उस जिम्मेदार कौन है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ कि 2014 के पहले जो चाइनीज कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट इंडिया में नहीं कर सकती थी, उनका पे बैन था, और इसके एफडीआई के तहत, और उसके अनुसार 1.6 बिलियन का केवल इन्वेस्टमेंट उसने किया था इंडिया में, और मोदी सरकार आने के तुरंत बाद ही ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के 24.4 बिलियन हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक तरह से जो जिस हिसाब चाइनीज कंपनी को बढ़ावा है कि नहीं है, नहीं, ये जिस हिसाब से फायदा तो होता है ना, नहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट कुछ और है। उनका क्वेश्चन ये, आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से बात ये है कि जो चाइनीज कंपनी जो उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाह रही थी हमारे देश में, और जो मोदी जी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम पे उन्हें ये लगा था कि शायद इस इन्वेस्टमेंट से हमारे देश का कुछ ना कुछ आगे कुछ प्रोसेस धोखा हुआ है, मतलब सीधा सीधा मोदी जी को आधार पे हमसे लेके धोखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, धोखा किया मोदी जी के साथ, बिल्कुल 18 मुलाकातें थे, 5 बार विजिट किए थे चाइना मोदी जी, बिल्कुल पूरा धोखा हुआ, बिल्कुल उनके साथ, वो इसी वजह से ताकि वो उनको अपने साथ रख सके, उनके देश में इन्वेस्ट कर सके, सारी चीजें कर सके, बाकी उसके बाद उनको दबाने की कोशिश कर सके, जैसे हमारे वहाँ पे हो रहे हैं, बॉर्डर पे हो रहे हैं, हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें की मतलब ज्यादा दबाव, ज्यादा बिजनेस फैला दो, ज्यादा यहाँ के लोगों को अपने चीजों के लिए रेगुलराइज कर दो, और उसके बाद फिर इन चीजों को समझाओ कि नहीं भाई अब तो सारा हक हिंदुस्तान पे हमारा ही है। इस तरह से बेसिक बढ़ाने के लिए उन्होंने ये करा था शायद ये चीजें, या फिर राजनीतिक पार्टियों का क्या सोचना क्या नहीं, मतलब राजनीतिक पार्टियों उस समय पे जो बीजेपी सरकार आई थी इस बात का बिल्कुल नहीं आकलन कर पाई थी कि जिस तरह से युद्ध स्तर पर हम चाइनीज कंपनी को इंडिया के अंदर बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इंडिया के लिए संकट का खड़ी हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो जो भी ये हमारे इंडिया में चाइना कंपनी चल रही है, जितनी भी चल रही है, ये सभी बंद होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनसे जितने भी चाइना है, जितनी भी सारी चाइना कंपनी जितनी भी टोटल है, सबली ही बंद होनी चाहिए। हमारे इंडिया में कितनी कंपनी चल रही है? चाइना, सब टोटल चाइना चल रही है ज़्यादातर कंपनी। हाँ। इंडिया की कोई कंपनी नहीं चल रही है मेरे ख्याल से, तो सारी कंपनी बंद होनी चाहिए।
जब भी हमारे देश में कुछ होएगा। अब तुम इंडिया को छोड़ के चाइना को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सपोर्ट इंडिया को कोई कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को हमारा भारत चाइना को कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारा इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है। आप किस कंपनी का फोन चलाते हैं? मैं चला रहा हूँ वीवो का। वीवो का, वो तो चाइनीज है जी, सब चाइना कंपनी के हैं। तो आप किस कौन सा फोन चला रहे हो? सैमसंग चला रहे हो आप? सैमसंग। आप इसी चीज को देखते हुए मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इसी चीज कौन सा फोन किस कंपनी का फोन चला रहे हो? मैं रियलमी का चला रहा हूं जो कि चाइनीज है। एक बात कहना चाहूंगा, इसी चीज को देखते हुए मोदी जी मेक इन इंडिया लाए थे जिसको बढ़ावा जो कि फेल हो गया पूरी तरह से। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जो मेक इन इंडिया और जो स्टार्टअप इंडिया थी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की थ्योरी फेल थी। वो और अभी तक बिल्कुल फेल है, क्योंकि जो अपनी जगह पे बैठे हुए थे, जो स्टार्टिंग में जहाँ से जैसे थे, उनको वो चीजें प्रोवाइड करवाई गई। आपने बिजनेस करने की कोशिश की? बिल्कुल सर, मैं पिछले 3-4 सालों से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हर तरह की गवर्नमेंट फंडिंग के हिसाब किताब से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर स्टार्टअप में कब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो आपको चीजें पता चलती है। ग्राउंड लेवल पे आप जाओगे तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, फेलियर्स हैं, जिसमें लोग ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो चीजें फेलियर्स हैं वो हमारे देश के लिए फेलियर्स हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। हमारे देश के लिए जो अच्छा हो रहा होगा वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए जो बुरा हो रहा होगा वो हमारे लिए बुरा है। सीधी सी बात हमारी ये है। जब तक देश की मिडिल क्लास आती है। तो दोस्तों ये थी खास बातचीत युवाओं के साथ कि क्या इनकी सोच है, क्या इनकी राय है। बेबाक बिल्कुल इनका एक अंदाज आप सब लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।